हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर आप सोच रहे हो थाईलैंड में क्राबी में जाके आप कहाँ रुक सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है। श्री शिशुकंद होटल बीच साइड होटल है, ये 4-स्टार प्रॉपर्टी है और ये मार्केट एरिया भी इसके बहुत ही नजदीक है। थाईलैंड की मोस्टली होटल में दोपहर के 2 बजे चेक इन होता है, तो उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग शेड्यूल कर लीजिए। तो ये ऐसी शिशुकंद होटल जिसमें हम स्टे किए थे क्राबी में, उसकी रूम जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा, ये स्विमिंग पूल व्यू और बीच व्यू की रूम थी। रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीमेंट्री 2 बॉटल मिला है, टी कॉफ़ी मेकर है और जैसे मोस्टली नॉर्मल होटल्स में होते हैं, और साथ में यहाँ पे एक बैग आप देख पा रहे हो और साथ में अम्ब्रेला। ये बीच पे जाने के लिए होता है जो कम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की धूप बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से सोच के यहाँ पे अम्ब्रेला भी मिलता है होटल के साथ। और ये आप देख ही पा रहे हो बाथरूम है, 2 स्लीपर भी रखा हुआ था, एक मिनी फ्रिज भी है जो बहुत ही एकदम खाली है, जो देख के बहुत बुरा लगा। ये होटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसकी अलग अलग रूम की कैटेगरीज भी है, कुछ रूम सी व्यू है और कुछ बैक साइड के भी है, कुछ पुल व्यू भी है, तो आप अपनी रेफरेंस से इसकी रूम आप बुकिंग कर सकते हो। बहुत लोगों को टॉयलेट लेके बहुत क्वेरीज होती है कि टॉयलेट कैसा है। टॉयलेट आप देख ही सकते हो एवरेज सा है, पर सही है, ठीक ठाक था। और यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री आपको शैम्पू जो जो किट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। थाईलैंड की मोस्टली होटल में आपको हेयर ड्राई भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको बीच में जाना होता है फिर हेयर ड्राई भी करना पड़ता है, इसलिए हेयर ड्राई मोस्टली हर एक रूम में मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इस रूम की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस, वो है इसकी बालकनी। बालकनी से स्विमिंग पूल भी दिखता है और सामने मिल जाएगा बीच। हमारी रूम पार्शियली सी व्यू फेसिंग है, आप साइड से बीच देख सकते हो और मेनली ये पुल व्यू रूम है। इस होटल में 2 पूल है, एक जो बड़ा साइज की पूल है और एक साइड में इसके मिनी साइज का भी पूल है। और एक जो चीज़ है वो है यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिल जाएगा, जो मोस्टली होटल में यहाँ पे कार पार्किंग अवेलेबल नहीं है, पर शिशुकंद होटल में पार्किंग भी अवेलेबल है। होटल की जस्ट बाहर ही सारी एक्टिविटी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप स्कूटी रेंट कर सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए बुक कर सकते हो, एवरीथिंग आपको होटल की जस्ट बाहर ही मिल जाएगा। और यहाँ पे होटल में ऊपर जिम भी है, आप चाहो तो वर्कआउट भी यहाँ पे कर सकते हो। और ये रहा इस होटल की रेस्टोरेंट, यहीं पे हम करने वाले हैं अभी ब्रेकफास्ट, जो कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। आप यहाँ पे इंडोर भी बैठ सकते हो, आउटडोर भी बैठ के खाना खा सकते हो। ये प्लेस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे जो आप रूम देख पा रहे हो, ये सारे सी फेसिंग रूम है, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। और एक पीछे इसकी और एक बिल्डिंग है जो बैक साइड की जो व्यू है उसकी है, उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा कम है। ब्रेकफास्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे वेज की कंपैरिजन में नॉन वेज ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि थाईलैंड की मोस्टली होटल में यही है, यहाँ पे नॉन वेज डिश ज़्यादा मिलता है। हमने ये होटल ऑनलाइन बुक किया था और हमें ये INR पे 5000 जैसा इसका पर डे का चार्जेस पड़ा था। हमारी थाईलैंड ट्रिप की नई वीडियो के साथ फिर से बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। अगर आपको मेरी चैनल पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।